अभी हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाकी हैं और हमारे कई साथी वैक्सीन लेने आए थे, पर यहाँ के कर्मियों से पता चला कि 28 तारीख से वैक्सीन लगना बंद हुआ है और 3 तारीख तक बंद रहेगा, यानी वैक्सीन ख़त्म हो गया है। सरकार नाराज़ी है कि कोरोना हारेगा देश जीतेगा। आप समझिए कैसे कोरोना हारेगा और कैसे देश जीतेगा। जब एक प्रखंड का एक प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पे वैक्सीन ख़त्म हो जा रही है, वैसे देश में हजारों जगह इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। सरकार के पास 20,000 करोड़ रुपया नई संसद बनाने के लिए पैसा है, लेकिन लोगों को वैक्सीन देने के लिए उनके पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। सरकार इस तरह से जो लगातार जो लोगों को ठगने का काम कर रही है, आपको पता है कि जिस तरह से पहला वेव और दूसरा वेव में लोगों की जान गई है ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से, बेड की कमी से, समय पर एम्बुलेंस नहीं मिला, इसके कारण शायद सही सरकार सही स्वास्थ्य सुविधा करा पाती तो हमारे बीच से जो लाखों लोग की जान गई है वो जान नहीं जाती। इसलिए सरकार जो सरकार जिस तरह से काम कर रही है, स्वास्थ्य केंद्रों को चालू नहीं कर रही है, जिस तरह से कोरोना का बचने का जो अभी उपाय है वैक्सीन लेने के लिए सब लोग को प्रेरित भी कई लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। आखिर ऐसी स्थिति में हम कोरोना से कैसे जीतेंगे। हम और आयशा मांग करती है कि जितना जल्द हो सके तमाम हॉस्पिटलों में वैक्सीन उपलब्ध कराए, तमाम स्वास्थ्य केंद्रों को चालू करें, कोरोना से मृत परिवारों को 10 लाख मुआवजा देने की गारंटी करें। उसके साथ ही जो सरकार जिस तरह से रवैया अपना रही है लोगों के साथ, उसको सुधारा जाए